हे गाइस, दिस इज कपिल कादियन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन। तो आज आपके लिए एक माइंड मैप्स लेके आए हैं। तो इस माइंड मैप्स को रिवाइज करेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले जानेंगे हम डेफिनेशन ऑफ ए सॉल्यूशन और उसके जो कंपोनेंट्स हमारे पास सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमारे पास कि सॉल्यूशन आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर बेसिकली दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट करते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी कि होमोजेनियस मिक्सचर हैव इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म थ्रू आउट इन द मिक्सचर। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है होमोजेनियस मिक्सचर की। अब हमारे पास दो कंपोनेंट सॉल्यूशन के, पहला हमारे पास है सॉल्वेंट, सेकंड हमारे पास है सोल्यूट। अब सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या होगी कि इन ए सॉल्यूशन द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन ए लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज ए सॉल्वेंट। जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट करता है सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। अब इसके अंदर इट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे डिटरमाइन किया जाता है इसको, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूट। क्या होता है कि अनदर कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन कि विच इज़ प्रेजेंट इन ए स्मॉलर क्वांटिटी इज नोन एज ए सॉल्यूट। उसको आप क्या बोलोगे, सॉल्यूट। जो बेसिकली स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट करता है सॉल्यूशन के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको बेसिकली इस माइंड मैप्स के अंदर दिखाई दे रही है, टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन। अब टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन हमारे पास है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गैसियस सॉल्यूशन क्या होगा, सेकेंडली हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन, थर्ड इज ए हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन। अब इस केस में टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बात करेंगे गैसियस सॉल्यूशन की। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर मैंने राइट डाउन किया है बेसिकली सॉल्यूट, इधर है सॉल्वेंट। बच्चों हमारे पास सॉल्यूट, हमारे पास क्या है, गैस। गैस को किस में डिजोल्व कर दिया, गैस के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल क्या दोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। सेकेंड हमारे पास सॉल्यूट क्या लिया हमने, लिक्विड। आप किसके अंदर डिजोल्व कर दिया, बेसिकली गैस के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल आपने लर्न करना है, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद ए नाइट्रोजन गैस। थर्ड है हमारे पास इसके अंदर सॉलिड। आप सॉलिड को किस में डिजोल्व कर दिया आपने, बेसिकली गैस के अंदर। तो क्या एग्जाम्पल दोगे इसका, कैम्फर इन ए नाइट्रोजन गैस। सेकेंड हमारे पास है लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है हमारे पास वो क्या होगा, बेसिकली गैस होगा। अब इसमें किस में डिजोल्व कर रहे हैं, इस लिक्विड के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं। तो क्या लिखोगे इसका, एक कॉमन एग्जांपल, ऑक्सीजन डिजोल्व इन ए वाटर। सेकेंड हमारे पास है लिक्विड। लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व कर दिया, तो इसका एग्जाम्पल क्या दोगे आप, इथेनॉल डिजोल्व इन ए वाटर। थर्ड है हमारे पास सॉलिड डिजोल्व इन ए लिक्विड। सॉलिड को डिजोल्व कर दिया, इट मीन्स इसे ग्लूकोज डिजोल्व किस में डिजोल्व कर दिया, वाटर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब सॉल्यूट हमारे पास है गैस। गैस को हमने बेसिकली डिजोल्व किया किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। तो क्या लिखोगे इसका एग्जाम्पल कि सॉल्यूशन ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए पैलेडियम। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड को डिजोल्व किया आपने किसके अंदर, बेसिकली सॉलिड के अंदर। तो एमलगम ऑफ ए मर्करी विद सोडियम, इसका एग्जांपल रहेगा। सॉलिड को सॉलिड में डिजोल्व किया, तो इसका एग्जांपल है हमारे पास कॉपर डिजोल्व इन ए गोल्ड। तो ये टेबल आपने अच्छी तरह से लर्न करने लिए बेसिकली अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। उसके बाद हमारे पास है सॉलिड सॉल्यूशन। क्या होता है बेसिकली कि सब्स्टिट्यूटेड सॉलिड सॉल्यूशन। हमारे पास बेसिकली कौन सा है, ब्रास। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर क्या लिखा, कंपोनेंट हैव ऑलमोस्ट इज ए सिमिलर साइज। अब यदि बात करें इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, अब इसके अंदर बेसिकली कौन सा है, स्टील। अब स्मॉलर कंपोनेंट ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल वॉइड। इंटरस्टिशियल वॉइड क्या होते हैं, बेसिकली होल जो प्रेजेंट करते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, जो चैप्टर 1 में था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेसिंग द कंसनट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल के सारे फॉर्मूले हैं 1 बाय 1। तो पहला हमारे पास है कि मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को किससे डिनोट करोगे आप, W डिवाइड बाय W। ये स्मॉल w है बेसिकली। अब मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, मास ऑफ द कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। की जो मास है बेसिकली किसका, उस कंपोनेंट का जो प्रेजेंट कर रहा है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, डिवाइड बाय क्या किया आपने, टोटल मास ऑफ ए सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा। सेकेंड हमारे पास है वॉल्यूम परसेंटेज, V डिवाइड बाय V। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन डिवाइड बाय क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट पर मिलियन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स की डेफिनेशन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, जिसको हम ppm कहते हैं, कि इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द कंसनट्रेशन कि व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रजेंट इन ट्रेस ऑफ ए क्वांटिटीज़। अब देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर से जो स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट करता है उसको ट्रेस करना, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ द पार्ट्स पर मिलियन। अब इसके अंदर हमारे पास इसका जो फॉर्मूला रहेगा पार्ट्स पर मिलियन का, कि नंबर ऑफ ए पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट इन दिस सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ए पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन दिस सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है हमारे पास, बेसिकली 6। ये इसका फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है मोल फ्रैक्शन, क्या होता है जिसको बेसिकली डिनोट करते हैं एक्स के टाइप के रूप में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। अब इसकी बेसिकली कोई भी ऐसा यूनिट नहीं हो सकती। बेसिकली एक ध्यान रखना बच्चों, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के रूप में MCQ में पूछा जाएगा कि मोल फ्रैक्शन की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो क्या लिखोगे, इट इज ए नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है मोलैरिटी, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ही बना लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा बेसिकली किसका, मोलैरिटी का। अब मोलैरिटी की जो एसआई यूनिट है हमारे पास मोल पर लीटर, या फिर क्या लिखोगे इसको, मोल लीटर इनवर्स। अब जो मोलैरिटी है बेसिकली इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली ये पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है मोलैलिटी। मोलैलिटी को डिनोट करते हैं बेसिकली स्मॉल m से। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, बेसिकली इस पर न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ ए सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए किलोग्राम। जो मास होगा बेसिकली वो किस में होगा, किलोग्राम के अंदर। अब इसकी जो एसआई यूनिट रहेगी हमारे पास मोल डिवाइड बाय क्या है, बेसिकली किलोग्राम, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल किलोग्राम इनवर्स। अब इस केस में जो मैंने अभी बताया आपको, क्वेश्चन मोलैरिटी पे भी बनता है, क्वेश्चन हमारे पास मोलैलिटी पे भी बनता है। जो मोलैरिटी मैंने अभी क्या बताया था आपको कि मोलैरिटी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अब इस केस में क्या लिखोगे आप, मोलैरिटी के केस में इट डज नॉट चेंज विद ए टेम्परेचर, ये चेंज नहीं होती टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, एज इट मास टू मास रेशो, इट इज़ ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये बेसिकली क्या होती है बच्चों, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। अब इसमें हम बात करेंगे हेनरी लॉज क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी हेनरी लॉज की, कि द लॉ स्टेट दैट कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, द सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, जो सोलेबिलिटी है गैस की लिक्विड के अंदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, बेसिकली वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ ए लिक्विड के या फिर किसी भी सॉल्यूशन के। सिंपल सी डेफिनेशन है कि इट स्टेट दैट कि हमारे पास एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर जो सोलेबिलिटी है, किसकी सोलेबिलिटी गैस इन ए लिक्विड के अंदर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस प्रेजेंट इन द अबव द सरफेस ऑफ ए लिक्विड या फिर सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ ए हेनरी लॉज। अब इसके अंदर इफ़ वी यूज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, अब हम इसके अंदर देखिए ध्यान से क्या यूज़ कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन ए सॉल्यूशन एज ए मेजर ऑफ इट्स सोलेबिलिटी। तो इसकी हमने क्या मेजर करनी है, सोलेबिलिटी। कि देन इट कैन बी सेट दैट कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन ए सॉल्यूशन, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस होगा बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस ओवर दी सॉल्यूशन के। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, कि द मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ ए हेनरी लॉ स्टेट दैट। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का इन ए वेपर फेस, हमारे पास वेपर फेस के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। अब ये सिंपल सी डेफिनेशन है, वंस अगेन भी कॉमनली डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं हेनरी लॉ की, वो क्या है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए वेपर फेस, ठीक है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन दिस सॉल्यूशन एंड एक्सप्रेस बाय, कैसे एक्सप्रेस करेंगे बेसिकली बच्चों, पी इज इक्वल टू के एच, और ये हमारे पास एक्स। अब यहाँ पर यदि के एच की बात करें, दिस इज़ ए हेनरी कांस्टेंट, एक्स हमारे पास क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन, और पी हमारे पास क्या है यहाँ पर, दिस इज़ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ दी गैस इन ए वेपर फेस। अब यहाँ पर जो स्लोप बनेगा हमारे पास, स्लोप ऑफ ए लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या बनती है बेसिकली, देखिए इस केस में ये हमारे पास है मोल फ्रैक्शन इस कर्व के अंदर, ये हमारे पास है पार्शियल प्रेशर, तो के एच के जो हमारे पास स्लोप बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पर। अब इस केस के अंदर कि वेयर पी इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस KH हमारे पास क्या है, हेनरी कांस्टेंट एंड द फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ ए गैस। सिंपल सी बात है, इसको हम फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ ए गैस भी कहते हैं। x हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन ए सॉल्यूशन। उसके बाद हायर द वैल्यू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए कि हायर द वैल्यू ऑफ ए KH एट ए गिवन प्रेशर कि द लोअर द सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। इसको नोट कीजिए, बेसिकली बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के अंदर कि यदि हमारे पास हायर द वैल्यू, किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, KH की, हेनरी कांस्टेंट की, एट ए गिवन प्रेशर पर, कि लोअर इज़ द सोलेबिलिटी, जो गैस की सोलेबिलिटी है वो बेसिकली क्या होगी, लिक्विड के अंदर लोअर होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसके अंदर कि इट इज़ ड्यू टू द रीजन दैट ऑफ ए एक्वेटिक स्पेसिस इज मोर कंफर्टेबल। यहाँ पर क्वेश्चन रेडी होता है 2 मार्क्स का कि जो हमारे पास बेसिकली एक्वेटिक स्पेसिस एनिमल्स होते हैं वो मोर कंफर्टेबल क्यों रहते हैं कोल्ड वाटर के अंदर रादर दैन ऑफ ए वार्म वाटर। तो इसके अंदर क्या होती है, बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन डिजॉल्व हुई होती है वाटर के अंदर। तो ये रीजन देखोगे कि इट इज़ ड्यू टू द रीजन कि दैट ऑफ ए एक्वेटिक स्पेसिस मोर कंफर्टेबल इन ए कोल्ड वाटर रादर दैन ऑफ ए वार्म वाटर। क्लियर हो गया। ये हेनरी कांस्टेंट हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर हेनरी लॉ किया। अब हेनरी लॉ की ये डेफिनेशन थी हमारे पास, ये हमारे पास उसका फॉर्मूला, ये उसके हमारे पास क्या थे बेसिकली सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ए हेनरी लॉस, इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। अब इस केस में पहली लिमिटेशन हमारे पास, दिस लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ ए सिस्टम्स आर इन द स्टेट ऑफ ए इक्विलिब्रियम। पहला पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा बेसिकली लिमिटेशन के अंदर बच्चों कि दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल, कब एप्लीकेबल होगा ये, कि व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ ए सिस्टम्स आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब मॉलिक्यूल ऑफ ए सिस्टम की स्टेट में होंगे बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर। सेकेंड हमारे पास कि दिस लॉ डज नॉट होल्ड ए ट्रू एंड व्हेन ए गैसेज आर प्लेस अंडर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, तो ना तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए ना ही टेम्परेचर हम प्रेशर हमारे पास बेसिकली हाई होना चाहिए। तो ये पॉइंट रहेगा। थर्ड हमारे पास कि दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन ए गैस पार्टिकल एंड द सॉल्यूशन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन विद ईच अदर। तो ये हमारे पास 3 लिमिटेशन है बेसिकली, डीपली वे से आपने इनको रिटर्न में प्रैक्टिस करके देखनी है। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे नोट्स को डाउनलोड करके, जिनका लिंक हमारे वीडियो के आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डिटेल में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड। अब इसका मतलब क्या है हमारे पास, इन ए सिस्टम, उसके बाद फीचरिंग द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये करने की जरूरत नहीं है आपने, बेसिकली यहाँ से सीधा डेफिनेशन कीजिए कि इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड कि बाय ए वेपर इट्स कंडेंस फेस, कंडेंस फेस में मतलब हमारे पास सॉलिड और लिक्विड, इन ए क्लोज सिस्टम एट ए गिवन टेम्परेचर, तो उसको आप क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर। अब इसके अंदर वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ ए लिक्विड के एंड टेम्परेचर के, कि जो वेपर प्रेशर है किसी भी लिक्विड का वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, नेचर ऑफ ए लिक्विड एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास रोल्ट्स लॉ क्या होता है। अब ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए सबसे पहले रोल्ट्स लॉ क्या होता है कि फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है हमारे पास कि वो सॉल्यूट हमारे पास या वो सॉल्यूशन जो बेसिकली वेपर की प्रेजेंस नहीं होती जिसके अंदर किसी भी हाई टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप बेसिकली, इसकी डेफिनेशन कैसे याद करोगे कि फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, जो वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट के एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो हमारे पास दिस इज ए वेपर प्रेशर ऑफ ए बेसिकली किसका है, ये सॉल्यूशन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर के। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगा दिया आपने, P0A। अब ये P0A हमारे पास क्या है, दिस इज ए वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर, अब ये प्योर स्टेट का है यहाँ पर। अब इस केस में कि फॉर ए सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ए 2 मिजेबल, मिजेबल हमारे पास जो अच्छी तरह डिजोल्व हो जाते हैं, एंड ए वोलेटाइल लिक्विड, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन दी सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब यहाँ पर हमने किसके लिए निकाला, बेसिकली एक कंपोनेंट के लिए निकाला, यहाँ पर हमने बेसिकली क्या कर दिया, दूसरे कंपोनेंट के लिए भी सेम डेफिनेशन वही है इसकी हमारे पास। ये हमने सपोज करो किसके लिए लिया, सॉल्वेंट के लिए, तो PA इज इक्वल टू PA नॉट और XA। हमारे पास क्या है ये सोल्यूट के लिए पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट और मल्टीप्लाई बाई एक्स बी। अब इस केस में यदि बात करें तो दोनों का टोटल कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल वेपर प्रेशर। अब टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा बेसिकली कि टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू दी सम ऑफ ए पार्शियल प्रेशर, मतलब पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट और एक्स बी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज ए टोटल वेपर प्रेशर। अब इसके अंदर कर्व देख सकते हैं बेसिकली बच्चों आप, हमारे पास वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ये कर्व बन रहा है हमारे पास। ये किसका है बेसिकली, दिस इज ए मोल फ्रैक्शन 0 है कंपोनेंट ए के लिए, ये हमारे पास कंपोनेंट बी के लिए मोल फ्रैक्शन 1 रहेगा। सेकंड यहाँ पर चेंज हो जाएगा इस केस में, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ए के लिए हमारे पास 1 हो जाएगा, ये 0 रहेगा। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए पार्शियल प्रेशर, किसका पार्शियल प्रेशर है, कंपोनेंट ए के लिए। ये पार्शियल प्रेशर किसके लिए है, कंपोनेंट बी के लिए। तो ये हमारे पास है टोटल पार्शियल प्रेशर। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज ए प्योर वेपर प्रेशर, ये हमारे पास पी ए नोट और ये पी बी नोट, दिस इज ए प्योर वेपर प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन। ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। सबसे पहले देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि द सॉल्यूशन विच ओबे रोल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ ए टेम्परेचर, कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है बेसिकली जो ओबे करता है, किसको ओबे करेगा, रोल्ट्स लॉ को, अंडर ऑल कंडीशन ऑफ ए टेम्परेचर एंड द कंसंट्रेशन, मतलब कोई भी हमारे पास कंडीशन है किसकी, टेम्परेचर की और कंसंट्रेशन की, जो ओबे करता है किसको, रोल्ट्स लॉ को, उसको आइडियल सॉल्यूशन कहोगे आप। कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ विच कि देयर इज़ नो चेंज इन द इंथैल्पी, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे इंथैल्पी के अंदर एंड वॉल्यूम के अंदर, ऑन मिक्सिंग ऑफ दी कंपोनेंट, जब आप किसी भी कंपोनेंट को मिक्सअप करोगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन दे दीजिए बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच ओबे द रोल्ट्स लॉ अंडर इन ऑल कंडीशन ऑफ ए टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। बस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए आइडियल सॉल्यूशन। अब इसकी कंडीशन हमारे पास क्या रहेगी, दिस इज ए हमारे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नोट, ये हमारे पास पी ए नोट डॉट एक्स ए इज इक्वल टू रहेगा। अब इस केस में पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट और एक्स बी रहेगा। अब इस केस में डेल्टा एच, हमारे पास डेल्टा एच मिक्स का मतलब होता है इंथैल्पी ऑफ ए मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 रहेगी, इट मीन्स नो हीट इज एब्जॉर्ब, और ना ही कोई एनर्जी यहाँ पर बेसिकली हीट एब्जॉर्ब होगी, ना ही कोई यहाँ पर रिलीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसी की जो कंडीशन है, डेल्टा वी मिक्स, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 रहेगा, इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट, कि जो वॉल्यूम है बेसिकली सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल रहेगा, कि सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट के। अब इन दिस ओनली पॉसिबल, अब इसमें जो पॉसिबल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली बच्चों एग्जाम्स के लिए, कि हमारे पास इफ़ ए बी इंट्रैक्शन इज सेम, यदि बी इंट्रैक्शन सेम किसके है बेसिकली, ए कंपोनेंट के, या एंड बी बी इंट्रैक्शन रेयरली। अब ये इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर बेसिकली एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, पहला बेंजीन एंड टोलिन, सेकंड हमारे पास क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, एंड थर्ड इज ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एग्जिबिट, जितना भी वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा वो एग्जिबिट करेगा आइडियल बिहेवियर ऑफ ए ग्रेट एक्सटेंट को। सिंपल सा है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अंदर नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। अब इसके बिल्कुल रिवर्स रहेगा आइडियल सॉल्यूशन के, कि व्हेन ए सॉल्यूशन डज नॉट ओबे द रोल्स लॉ, जो ओबे नहीं करेगा किसको, रोल्स लॉ को, फॉर ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर रेंज पे, उसको आप क्या बोलोगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसके अंदर बेसिकली कि मे हैव शो, किसको शो करेगा बेसिकली, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फॉर ए रोल्स लॉ को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि इसके अंदर क्या होती है बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होती है किसके लिए, फ्रॉम रोल्स लॉ के लिए। पहली कंडीशन इसके अंदर देखिए आप, सबसे पहले क्या है, पी ए नॉट इक्वल टू, अब ये बेसिकली इक्वल नहीं होगा पी ए नॉट और एक्स ए के। सेकेंड कंडीशन हमारे पास पी बी नॉट इक्वल टू पी बी नॉट और एक्स बी रहेगा। थर्ड कंडीशन हमारे पास डेल्टा एच मिक्स इंथैल्पी नॉट इक्वल टू 0, एंड फोर्थ कंडीशन हमारे पास डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0। अब इसके अंदर फॉर ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन द इंट्रैक्शन ऑफ ए बी, जो हमारे पास ए बी की इंट्रैक्शन है सोल्यूट और सॉल्वेंट की, इज डिफरेंट रहेगी बेसिकली किससे, सोल्यूट सोल्यूट से और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन से। अब इसके अंदर एक पॉइंट और नोट करना है आप सभी स्टूडेंट्स ने, कि फॉर ए सॉल्यूशन शोइंग ए पॉजिटिव डेविएशन, यदि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव कौन करते हैं, ओनली हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही शो करेगा। अब इसकी जो कंडीशन हमारे पास, पी ए इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होगा, पी ए नोट से और एक्स ए से, और पी बी हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन ऑफ ए पी बी नोट और एक्स बी। अब इस केस में हमारे पास डेल्टा एच मिक्स इंथैल्पी मिक्स इज इक्वल टू क्या रहेगी पॉजिटिव, डेल्टा वी एक्स भी क्या रहेगी पॉजिटिव। तो हमारे पास जो इसमें सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है वो बेसिकली क्या रहेगी बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीकर देन किससे ए से। हमारे पास ए क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्वेंट, और बी भी क्या है हमारे पास सोल्यूट सोल्यूट। अब इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास एल्कोहल एंड वाटर, एसीटोन एंड बेंजीन, ये इसका एग्जांपल रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट इसी के अंदर है हमारे पास कि फॉर ए सॉल्यूशन शोइंग ए नेगेटिव डेविएशन। अभी हम बेसिकली नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास पार्शियल प्रेशर इज लेस देन ऑफ ए किससे है पी ए नोट और एक्स ए से। एक्स ए हमारे पास क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए, सेम एज इट इज पी बी इज लेस देन ऑफ ए पी बी नोट एक्स बी से। तो हमारे पास डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू क्या होगा इसके अंदर तब पॉजिटिव, इसमें क्या रहेगा बच्चों बेसिकली नेगेटिव रहेगा। डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव रहेगा। ए बी इंट्रैक्शन क्या होगी इस केस के अंदर, ए बी मतलब सोलवेंट सोल्यूट इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ऑफ ए सोलवेंट सोलवेंट और सोल्यूट सोल्यूट से। अब इसके एग्जाम्पल क्या करना है आपने याद करना है कि क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, एच सी एल एंड वाटर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए हमारे पास शोइंग द नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, 1 मार्क्स डेफिनेशन फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि द मिक्सचर ऑफ ए लिक्विड एट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन, जो मिक्सचर है किसी भी लिक्विड का किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर, कि विच कांस्टेंट ए बॉइलिंग पॉइंट, जो उसका बेसिकली क्या रहेगा कंपोजिशन कि विच इज ए कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड बिहेव लाइक, किसकी तरह बिहेव करेगा ये बेसिकली प्योर लिक्विड की तरह, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ए सिंपल डिस्टिलेशन, इसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे किसी भी एक सिंपल डिस्टिलेशन के माध्यम से। एजियोट्रोप्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए मिनिमम बॉलिंग एजियोट्रोप्स, सेकेंड हमारे पास है मैक्सिमम बॉलिंग एजियोट्रोप्स। तो सबसे पहले जानेंगे मिनिमम बॉलिंग एजियोट्रोप्स क्या होते हैं कि मिक्सचर विच शोज ए पॉजिटिव डेविएशन, जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं कि मिनिमम बॉलिंग एजियोट्रोप। एग्जाम्पल हमारे पास एल्कोहल एंड वाटर। और यदि हम बात करें मैक्सिमम बॉलिंग एजियोट्रोप की, विच शोज द नेगेटिव डेविएशन, जो किसको शो करेगा नेगेटिव डेविएशन को। एग्जाम्पल हमारे पास एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेसिकली कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ ए सॉल्यूट पार्टिकल, जो जिस किसके ऊपर डिपेंड करती है ओनली नंबर ऑफ ए सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर, बट नॉट अपॉन द केमिकल नेचर, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप बेसिकली डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ए सॉल्यूट। दिस इज कॉल्ड इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। पहली हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर। अब इस केस में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को देखिए, अकॉर्डिंग टू द रोल्ट्स लॉ कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर इक्वल टू किसके इक्वल होगी बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन दी सॉल्यूशन के। अब इस केस में हमारे पास पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाय पी नॉट, दिस इज ए इक्वल टू ए किसके है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट के। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है एन डिवाइड बाय एन प्लस कैपिटल एन। एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे बेसिकली यहाँ पर। अब इस केस में पी नोट देखिए क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट का, वी पी हमारे पास क्या होगा यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन का। अब यहाँ पर एक्स सॉल्यूट हमारे पास क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन दी सॉल्यूशन। यदि आपने इसको डिटेल्स में करना है बेसिकली बच्चों वो हमारी वीडियो में देख सकते हो आप, जो हमने 1 लेक्चर शॉट किया था, या फिर हमारे नोट्स के अंदर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसका जो फॉर्मूला हमारे पास है कैपिटल एम इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई के एफ इंटू डॉट, यहाँ पर क्या है बेसिकली W टाइप से डिनोट कर रखा है, यहाँ पर वेट ऑफ ए सॉल्यूट को बोलते हैं इसको, डिवाइड बाय क्या है डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाय कैपिटल W, दिस इज द वेट ऑफ ए सॉल्वेंट। अब इस केस में हम देख सकते हैं कि के एफ हमारे पास क्या है यहाँ पर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसको हम क्या बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। हमारे पास जो ओमेगा की तरह मैंने यहाँ पर ये सिंबल शो कर रहा है कि दिस इज द वेट ऑफ ए सॉल्यूट, और जो कैपिटल हमारे पास W है दिस इज द वेट ऑफ ए सॉल्वेंट। अब इस केस के अंदर यदि कैपिटल एम की बात कर रहे हैं दिस इज ए मोलिकुलर वेट ऑफ ए सॉल्यूट। एफ हमारे पास क्या होगा इस केस के अंदर, तो दिस इज ए डेल्टा हमारे पास डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, दिस इज द डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड इसी के अंदर थर्ड वाला एलिवेशन इन बोलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय के बी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू डिवाइड बाय क्या करोगे यहाँ पर कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू। अब इस केस के अंदर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास टी बी माइनस टी बी नॉट। दिस इज द एलिवेशन ऑफ ए बोलिंग पॉइंट। अब इस केस के अंदर के बी हमारे पास एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या इसको हम क्या बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। कैपिटल हम हमारे पास क्या है यहाँ पर मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्यूट और जो हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू है दिस इज द वेट ऑफ ए सॉल्वेंट। ये वेट किसका होगा सॉल्वेंट का जो कैपिटल वाला है। स्मॉल वाला डब्ल्यू हमारे पास क्या होगा वेट ऑफ ए सॉल्यूट। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है जो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको डिनोट करते हैं बेसिकली पाई से कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब सी हमारे पास क्या होता है कंसनट्रेशन। अब वेट ऑफ ए वेट इन ए ग्राम्स या बेसिकली ग्राम पर लीटर में लेते हैं या फिर मोलिकुलर वेट, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला रहेगा। तो पाई को किससे डिनोट कर रहे हैं बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर से। सी हमारे पास क्या है यहाँ पर मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, टी टेम्परेचर ऑफ ए सॉल्यूशन और ये बेसिकली किस में रहेगा केल्विन स्केल के अंदर। आर हमारे पास बेसिकली क्या है बच्चों यहाँ पर दिस इज ए गैस कॉन्स्टेंट। अब इसके अंदर ये यहाँ पर डेफिनेशन देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्डअप इन दी सॉल्यूशन कि वैन जस्ट या विच जस्ट स्टॉप दी ऑस्मोसिस, जो किसको रोकता है बेसिकली ऑस्मोसिस को स्टॉप करता है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर एबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी बार बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास कि इन ए सॉल्यूशन कि वैन द सब्सटेंस अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन कि देयर इज ए हमारे पास डिस्क्रिपेंसी बिटवीन ऑब्जर्व द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड ए हमारे पास कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड ए मोलिकुलर वेट आर द लोअर एंड हायर रिस्पेक्टिवली देन ऑफ ए एक्सपेक्टेड। द्वारा डेफिनेशन को देखिए हमारे पास थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में यहाँ पर लिखा है इसके अंदर कि इन ए सॉल्यूशन व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगोज, जब कोई सब्सटेंस बेसिकली क्या होता है टूटता है डिसोसिएट होता है या फिर क्या होता है बेसिकली एसोसिएट होता है कि देयर इज ए डिस्प्रेंसी बिटवीन किसके बीच में डिस्प्रेंसी होगी बेसिकली ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच में एंड ए मोलिकुलर वेट आर लोअर एंड हायर, जो मोलिकुलर वेट होगा वो ज़्यादा या कम होगा रिस्पेक्टिवली देन एक्सपेक्टेड से जो हम बेसिकली एक्सपेक्ट लेके चल रहे हैं। तो दीज आर नॉन एज ए एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, उसको आप क्या बोलोगे एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। एग्जाम्पल हमारे पास बेसिकली ये देख सकते हो आप, ये एग्जाम्पल हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वैन 't हॉफ फैक्टर क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके अंदर सबसे पहले देखिए कि टू अकाउंट फॉर ए एबनॉर्मल केस। अब एबनॉर्मल केस क्या होता है कम या ज़्यादा होना बेसिकली कि वैन 't हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस किससे इंट्रोड्यूस करते हैं इसको आई से, स्मॉल आई से, इज नॉन एज ए वैन 't हॉफ फैक्टर। तो स्मॉल आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे डेफिनेशन इसकी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब वैन 't हॉफ फैक्टर आई इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई 1। एन हमारे पास क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स और ए आयंस इन ए सॉल्यूशन। अब इस केस के अंदर जो रिलेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली कि रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ ए डिसोसिएशन एंड ए वैन 't हॉफ फैक्टर आई के बीच में कि वैन 't हॉफ फैक्टर आई इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा डिवाइड बाई 1। एन हमारे पास क्या है बच्चों यहाँ पर कि नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स और ए आयंस इन द सॉल्यूशन। यदि एसोसिएशन होता है तो हमारे पास वैन 't हॉफ फैक्टर इज लेस देन 1 होगा, यदि डिसोसिएशन होता है तो वैन 't हॉफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 होगा और यदि ना एसोसिएशन और ना ही डिसोसिएशन होता है तो हमारे पास वैन 't हॉफ फैक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 1 के। तो ये था हमारे पास कंप्लीट माइंड मैप जो आपके एग्जाम्स के लिए मैंने रिवाइज किया आपको चैप्टर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स लेके आएंगे आप सभी के लिए। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय।